वैसे इसके शोहर का क्या नाम है? किसके शोहर का? मलका के और किसके? मुझे यही समझ में आया कि नूर अफरोज का मदावा कुछ ऐसे ही हो सकता है, वो भी इंसान है, आखिर आपकी औलाद है। गोली की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, पता चले रात को 2 बजे तुम गोली ढूंढने निकल पड़ो। जगावण आ गया सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया इंज लगता है जीवे राजण मैनू हीर बनावण आ गया सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया मैनू हीर बनावन आ गया Thank you.
के जगावण आ गया, मैनू हीर बनावन आ गया, मेरे पाग जगावन आ गया। किथे शान तेरी, किथे मैं कमली, मैं की साकी बनाने आवे। किथे ले आया सानू प्यारी सजना, किन्नी दूर रह गए वेरी जग देने। क्या बात है, मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें तसल्ली देने के लिए, तुम्हें यह बताने के लिए कि ये पूरे दिन जल्द खत्म हो जाएंगे। और चाहे दिन अच्छे हों या बुरे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बस तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। तुम्हें आज मलका चाची की हालत देखकर अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा कि अभी राज खोलने का वक्त नहीं आया। तुमने देखा कैसे सब कुछ उलट पलट हो गया था। कुछ तो कहो, क्या महसूस करती हो सिवाय नफरत के हमारे बारे में? शर्मिंदगी। एक मजे की बात बताओ, मैं भी ऐसी ही फीलिंग से गुजर रहा हूं। मैं कसम से सच कह रहा हूं, मेरे मॉम डैड की जब इंग्लैंड में एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी ना, उनकी भी लव मैरिज हुई थी, लेकिन उनको पूरी फैमिली ने डिसओन कर दिया था। लंदन अथॉरिटीज ने मुझे तय सरकार के हवाले कर दिया और मैं उनकी उंगली पकड़कर घर आ गया। जहां पर कई बुजुर्गों और कई रिश्तेदारों से अपनी फरंगन मां ग्रेस मां के ताने सुने, के तमाम मुलाजमों ने सरखुशियों में मेरी मां के बारे में कुछ ना कुछ कहा। एक दिन चची जान ने पीर साले से लड़ने पर मुझे काफिर मां के बेटे का ताना सुना दिया। इत्तफाक से उसी वक्त आया सरकार घर आ गए और उन्होंने सुन लिया। मैं कोने में खड़ा रो रहा था। उन्होंने मुझे सीने से लगाकर खूब हंगामा खड़ा किया और ऐसे लगा जैसे लकी महल को कोई सांप सूंघ गया। मैं उस वक्त का उनके सीने से लगा, आज भी उनके सीने से लगा हुआ। शायद हमारी रूहों के दुख एक जैसे हैं। तभी मैं तुम्हारी तरफ इस तरह खिंचा चला आया। नूर अफरोज, क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी फील नहीं होता? मैं खुद को रोक लेती हूं,
तक रोकोगी? जब तक अपने आप को इस खुशफहमी से बचा सकती हूँ। कैसी खुशफहमी? मोहब्बत तो समंदर पार, सरहद पार के लोगों से भी हो जाती है। हम दोनों तो कजन्स हैं। आपको अपनी पहचान मिल चुकी है। ये हिसाब किताब मोहब्बत तो नहीं देखती, पर दुनिया तो देखती है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं। लखी महल की ये दीवारें नए राजों का बोझ नहीं उठा सकेंगी। फर्ज करो वो उठा ले। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दे छोटे सरकार। मैं जाऊं? एहराम, मैं जाऊं? जाऊं? को एहराम, मैं जाऊं? एहराम, मैं जाऊं? बने सारे का सारे पापा मामा गए देगा मापा दा मागे निरा पास सारी रे रे दा मेरा फर्ज था सरकार के हजूर हकीकत बयान करना।
एहराम को मेरे पास भेज दो। सरकार वो नाराज हो जाएंगे मुझसे। मुझे कोई दूसरा काम है उससे। जो हुक्म सरकार, बादशाही दी खैर होवे। गाली ताया सरकार ने आपको मुझे बुलाने क्यों भेजा है? सीधा सीधा मुझे कॉल कर देते। हम तो गुलाम हैं सरकार के। जो सरकार का हुक्म वही बांधी कर रही है। ओके। नहीं शब्बू, चल जल्दी आ जा, छोटे सरकार का कमरा साफ करना है। क्या हुआ है तुम्हारी कलाई को? नूर अफरोज, ये तुम्हारी कलाई को क्या हुआ है? आपने मुझे बुलाया था ऐसा कर? हाँ हाँ, आओ बैठो। देखो, ये तो किसी किसी भी है। पीर मुराद अली सन ऑफ पीर अनवार अली। हाँ, ऐसा करो, आज फैक्ट्री चले जाओ, इसका इंटरव्यू करो और इसे अच्छी पोस्ट पर हायर कर लो। ये है कौन?
ये मेरे जैसा ही एक बागी पीर का खानदान से निकाला हुआ बेटा है। खानदान से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है इनका, लेकिन एक तरह से है भी। तुम ये कह लो मेरे ननिहाल से है। ग्रेट। अच्छा तो आप इन्हें फिर से खानदान में जोड़ रहे हैं? नहीं, मैं खानदान में जोड़ नहीं रहा हूँ, बस नौकरी दे रहा हूँ। क्यों, इसमें आखिर हर्जी क्या? आप हिम्मत करके इन्हें खानदान में जोड़ दें, क्या पता आपका रास्ता खुल जाए। मेरा रास्ता खुल चुका है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं सोच रहा हूँ कि नूर अफरोज की शादी इस लड़के से कर दूँ। जी हाँ, फिलहाल तुम जाओ और इसका इंटरव्यू कर लो, बाकी डिटेल कल शेयर करते हैं एक दूसरे से। ओके किसे गम ये सुनाए, तड़प तड़प कर यूं ही घुट घुट कर दिल करता है मर। शुक्र है आपको मिली, वो ना कल सुबह मुझे जमीन पे पड़ी मिली, मुझे इतनी जोर की चुभी कि खून ही निकल गया। मैं दूध दे के आ ही रही थी कि सीधा दीवार में जा लगी, हाथ दब गया अपने ही वजन से। ये तुमने यहाँ रखी है अम्मा काली? वो डस्ट पैन नहीं मिल रहा था ना, तो मैंने ड्राज में घुसा दी। लाई मैं फेंक देती हूँ। शुक्र है अम्मा काली, मैं तो समझी हैराम ने। तौबा करें जी तौबा, लाएं मैं फेंक देती हूँ। रोज की शादी इस लड़के से कर दूं। अम्मा काली यहां पर वो मेरी, ये आपकी नहीं नूर अफरोज के पांव की बेड़ियां हैं सरकार। ये मुझे दे दे। ऐसी चीजें संभाल के रखते हैं सरकार तालों में। अभी गुड्डी बीबी के खौफ से चूड़ियों के टुकड़े मैंने डस्टबिन में फेंक दिए, अभी निकाले हैं। वैसे ये पहला राज है जो मेरे छोटे सरकार ने मेरे साथ नहीं बांटा। सब बता दूंगा, कब तक छुपाऊंगा। Thank you.
मलका, बड़े सरकार बुला रहे हैं, चलो मेरे साथ। अभी? हाँ अभी, दरबार में। दरबार में? पर उन्होंने तो कहा था मेरा वहां आना मुनासिब नहीं। अब तुम्हें मुरीदियों के भेस में रखा है तो मुरीदियां तो दरबार में आती जाती रहती हैं। ये एहतियातें अपनी बेटी के लिए हैं, अपने खून के लिए। चले। पाशाही दी खैर हो बीबी मुर्शिद। सलाम बीबी मुर्शिद। वालेकुम सलाम। कैसी हो काली जी? बेहतर। कहाँ जा रही हो? वो जी हम बड़े सरकार के दरबार जा रहे थे। आप आइए ना, तशरीफ लाइए। तू जा, मैं बीबी मुर्शिद को छोड़ के आती हूँ। आइए बीबी मुर्शिद। जी सरकार, आपने बुलाया? हाँ, बैठो। काली नहीं आई तुम्हारे साथ? जी वो बीबी मुर्शिद मेहरबानो आ गई थी, उनके इस्तकबाल के लिए उन्हें लकी महल छोड़ने गई है। एक बीवी की हिस बहुत तेज होती है। बीवी आजकल बहुत अलर्ट है। तुम्हारी और मेरी हर हरकत पर निगाह रखे हुए हैं, इसीलिए ना चाहते हुए भी एहतियातन तुम्हें यहीं बुला लिया है। कोई बात नहीं सरकार। मलका, मैंने नूर अफरोज के लिए एक लड़का देखा है। जैसे आपकी मर्जी सरकार। लड़के का बाप हमारी बरादरी से है, लेकिन निकाला जा चुका है। मोहब्बत की शादी की थी उसने एक मुरीदनी से। बरादरी अब उससे कोई ताल्लुक नहीं रखती और उसे भी किसी से कोई दिलचस्पी नहीं है। लड़का अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा हुआ भी, और सबसे बड़ी बात पीरों का खून है। मैं सोच रहा हूँ कि उसे अपनी फैक्ट्री में ही कोई अच्छी सी पोस्ट दे दूँ, और अगर बात बनती है तो उसके बाप को एतमाद में लेने के बाद खामोशी से किसी दूसरे शहर ले जाकर नूर अफरोज से उसकी शादी कर दो। वो पहले ही बहुत जज्बाती धचकों से गुजर रही है सरकार। इतनी जल्दी उसे राजी करने की कोशिश करूंगी, पर अगर वो राजी ना हुई तो? उसे राजी होना होगा। उसे बताओ कि वो जो ख्वाब देख रही है वो पूरे नहीं हो सकते। एहराम के साथ उसकी शादी की खानदान में कोई गुंजाइश नहीं निकलती। ऐसी कोई बात नहीं है सरकार, वो तो उनकी तरफ देखती भी नहीं। इसीलिए रात के 2:30 बजे उसके साथ ग्रीन रूम में बैठी हुई थी। ये झूठ है सरकार, वो तो मेरे साथ सो रही थी। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है। ठीक है, वो मेरी बेटी है और इस रिश्ते से एहराम उसका कजन होता है, लेकिन बरादरी में सबके सामने वो उससे शादी नहीं कर सकता।
फिर वो हमारी दस्तार का भी वारिस है, और तुम जानती हो कि दुल्हन लाते वक्त हसब नसब का ख्याल रखा जाता है, माँ की तरफ से भी और बाप की तरफ से भी। आज सरकार ने कह दिया कि बेनंगो नाम है तू, हाय मेरे जल सड़ के राख हो जाने के बाद सरकार, अब बताई मुझे मेरी औकात। हाय मलका, तेरी तरह तेरी बेटी भी छोटी सात की ही रही। सही कह रही हो बहना, मुझे फुर्सत मिली तो मैं भी आऊंगी जरूर। बैठो ना। अरे सुनो, जरा मलका से कहना कि बहना के लिए ताजा थादर बना कर लाए। बीबी मुर्शिद, वो तो दरबार गई है, सरकार ने बुलाया है। क्यों, मुझे बता के क्यों नहीं गई? ले वो आ गई। कहाँ गई थी तुम? जी वो सरकार ने बुलाया था। क्यों? जी वो घर से फोन आया था। तो वो फोन यहाँ पे भी भिजवा सकते थे, तुम्हें वहां बुलाने की क्या जरूरत थी? अरे शहर बानो, जेठ जी तो बहुत पाक दामन किस्म के मर्द हैं, तुम कब से उनकी टोह लगाने लगी? अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, बहना वो बिल्कुल ऐसे भी नहीं है, वो भी एक मुरीदनी और खादमा के साथ। अस्सलाम वालेकुम चची जान। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। कहाँ जाने की तैयारी है? मैं मिल तक जा रहा था। तुम्हें इस तरह देख कर ना, मेरा दिल कहता है राबील के साथ तुम्हारी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। लो बे, इसको इसकी मंगनी के बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? मेरी मंगनी? हाँ तुम्हारी मंगनी, जो तुम्हारी दादी सरकार बचपन में राबील के साथ तय करनी थी, और पीर साले की बनफशे के साथ। मुझे दादी जान के ऐसे किसी भी फैसले के बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं तो पहले दिन से ही कह रही हूं कि बच्चों को बड़ों के फैसले के बारे में आगाह कर देना चाहिए, लेकिन पता नहीं जेठ जी की क्या मंतव्य है। अब ना गुड्डी को पता है ना हराम को पता है, और हम एक इंतजार की सूली पर लटक रहे हैं। ताईजान मैं जरा मिल तक जा रहा हूं। एहराम? जी। मैं बेटी की माँ हूं, फिर भी बेतकल्लुफी में तुमसे बात कर रही हूं, इसलिए कि तुम हमारे बच्चे हो, औलाद की तरह पाला है तुम्हें। राबील तुम्हारी मंगेतर होने के साथ साथ तुम्हारी भी उतनी इज्जत होगी जितनी कि हमारी। मुझे उम्मीद है कि तुमने मेरी इस बेतकल्लुफी का बुरा नहीं मनाया होगा। ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम मेरी बेटी को मेरी पहल का ताना दे दो। नहीं,
मुझे देर हो रही है। इतनी खुशी की खबर है, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खबर है ये। एहरा मुझसे मोहब्बत करते हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया, अभी अभी बताया उन्होंने मुझे।